तो अभी शाम की बजे हैं 6 और अभी आ गई हूँ मैं पीछे कपड़े निकालने के लिए, मतलब कपड़े सुखाने के लिए दिए थे तो उनको अंदर ले जाने आई हूँ। तो मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी ना कि आप ना ये जंगल काट देना, देखो ये ना काफ़ी परेशानी करता है कपड़े वपड़े सुखाने में, क्योंकि इसके ऊपर ये जो पेड़ पौधे हैं ना इनके ऊपर कितने कीड़े रहते हैं, खुजली वाले कीड़े रहते हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि आप ना इसको काट देना या फिर छोटा कर देना, जो भी करना है, कोई काम अच्छे से अच्छा सा कर ही देना, क्योंकि यहाँ पे जहरीले भी सांप, उसके बाद काफ़ी कुछ होता है ना जो पेड़ के अंदर अंदर छुपे रहते हैं, और क्या पता कंबल के साथ कपड़ों के साथ आ जाए कोई कीड़ा मकोड़ा। तो इसलिए मैं नहीं चाहती ये सब चीज़ें। तो देखो अभी अंदर लेके आ गई मैं माधव। तो माधव को ना काफ़ी सर्दी लग गई है सुबह उठ के पंखा ना चले तो इसका नींद नहीं आता है, और उसी का नतीजा इसको बहुत ही सर्दी लगी है। देखो नाक में ना बहुत ही आवाज़ हो रहा है, और आज तो सो ही नहीं पाया, दोपहर को खाली रो रहा था। माधव तो शाम हो गई है, ऑल आउट जला देते हैं, इसको बढ़ा देते हैं, मच्छर काफ़ी हो रहे हैं। तो अभी माधव को ले चलेंगे फिर से हॉस्पिटल, क्योंकि ना ये जो दवाई है ये वाला ख़त्म हो गया है, और कुछ दवाई जो है ये बुखार के लिए है, लेकिन बुखार तो है नहीं। फिर भी एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, उसके बाद देखते हैं कि डॉक्टर क्या बोलते हैं, क्योंकि परेशानी तो हमें ही होती है ना जब ये परेशान रहता है। तो अभी चलते हैं हम डॉक्टर के पास। तो अभी माधव को लेके जाएंगे डॉक्टर के पास, क्योंकि उसको सर्दी जुकाम, उसके बाद आज ना सारा दिन सो भी नहीं पाया, इसलिए हम लेके जा रहे हैं। तो देखो अभी डॉक्टर से राय लेना बहुत ज़रूरी है। तो अभी शाम के बजे हैं 6:30 ऐसा कुछ बज रहा होगा, मेरा काम करते करते टाइम बहुत हो चुका है। तो अभी फटाफट चलते हैं हम डॉक्टर के पास, जस्ट साइड में ही है। तो काफ़ी लेट हो रखा था, तो मैंने बोला चलो यार यही साड़ी वाड़ी पहन के चलते हैं, ऐसे ही नॉर्मल चलते हैं हम। और मैंने सोचा कि चलो शाम तो हो ही गई है, तो जल्दी जल्दी हम क्या करते हैं ना पूजा करके चलते हैं, क्योंकि काफ़ी लेट हो जाएगा। तो इसलिए ना मैं फटाफट पूजा भी कर लेती हूँ, पूजा करने के बाद फिर हम चलेंगे, क्योंकि वहाँ से सीधा थोड़ा मायके में भी जाएंगे माधव को दिखाने के लिए, क्योंकि अभी ऐसा होता है ना माधव थोड़ा कुछ हो जाता है ना तो मेरी मम्मी पापा का जो कलेजा है ना वो पूरा फूट जाता है। तो कुछ भी होता है तो उनको बताना दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और होम्योपैथिक से ना मेरे जो ससुर जी है वो होम्योपैथिक डॉक्टर है, तो उनसे भी मैं दवाई ले रही हूँ, लेकिन ना वो अभी ना अभी के लिए जो रिसेंटली टाइम है ना वो अपने आप को झेल नहीं पा रहा है। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो यार एलोपैथिक ही दिला देते हैं, कम से कम खुश तो रहेगा ना। उसकी जब तबीयत ख़राब हो जाती है ना तो काफ़ी रोता है, काफ़ी परेशानी हो जाती है, इसलिए ना फिर मैंने बोला कि पहले हम एलोपैथी खिलाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे होम्योपैथी खिलाएंगे। होम्योपैथिक भी मैंने रख दिया है पापा वाला, और यहाँ पे देखो माधव, मैं और हस्बैंड तीनों मिलके पूजा दे रहे हैं। और मैं अपने माधव को ना बचपन से सिखाऊंगी उसको पूजा देना, हर एक काम सिखाऊंगी उसको, तो धीरे धीरे वो काम सीख जाएगा। तो जब बड़ा हो जाएगा तो मैं हर चीज़ एक एक करके सिखाऊंगी, पूजा करना, उसके बाद रिस्पेक्ट देना, ये सब बहुत ज़रूरी है एक पेरेंट्स को अपने बच्चे के प्रति। तो फुल कोशिश रहेगी मेरी कि मैं फुल लोगों के सामने उसको रिस्पेक्ट देने के लिए बोलूं, बचपन से ही 1-1.5 साल से ही मैं उसको सिखाना स्टार्ट कर दूँ, ट्रेन करना शुरू कर दूँ। तो चलो अभी चलते हैं, अभी घर आके उसके बाद मुझे खाना भी बनाना है, तो अभी चलते हैं। मैंने अपना झोला ले लिया है और हम दोनों अभी गाड़ी में बैठने के लिए रेडी है। देखो माधव को ना गाड़ी देखने में बहुत मज़ा आता है, तो उसको गाड़ी देखना है, उसको बहुत मज़ा आता है, मतलब वो सोचता है ना कि क्या है क्या नहीं, ज़िंदगी में पहली बार देख रहा है। और ये देखो माधव अभी डॉक्टर के पास बैठा है, तो कितना प्रॉब्लम हो रहा है उसको। और जी ये जितने भी क्लिनिक वाले हैं ना ये सारे मेरे जान पहचान के हैं, और मेरी जो रिसेप्शन में बैठी वो मेरी क्लासमेट है, तो इसलिए मैं यहीं पे आई हूँ, और काफ़ी अच्छा भी डॉक्टर है। और ये रहा माधव का मेडिसिन।
तो दवाई दिखाने के बाद अभी बैठ गई हूँ थोड़ा सा टीवी देखने के लिए। वैसे तो देख नहीं रही थी, माधव के लिए चला के रखा था, बट जब थोड़ा एंटरटेनमेंट चीज़ें होता है ना तब मेरा ध्यान लग जाता है उस पर, तो थोड़ा देख रही थी मैं वैसे। और वो मेरे हस्बैंड मतलब चिढ़ाने के लिए वीडियो कर रहे हैं, तो फिर भी मैंने वीडियो में ऐड कर दिया है। और देखो अभी आ गई हूँ मैं खाना बनाने, और मेरे पीठ पर लगा है ना काफ़ी सारा पेंट, तो मैं दीवार के साथ ना चिपक के बैठी थी ना, तो फिर वो पेंट लग गया है, मतलब पेंट ना उधड़ जा रहा है, तो वो पेंट मेरे पीठ पे लग गया। तो अभी बर्तन भी धो लेती हूँ, कुछ बर्तन थे तो वो बर्तन भी धो लेती हूँ। और मेरी मम्मी ने ना आज एक स्पेशली एक चीज़ बनाया था, ताल जिसे कहते हैं ना, ताल जला के उसमें नारियल दे के उसके बाद उसको पकाया जाता है अच्छे तरीके से, फिर उसको खाया जाता है। तो मम्मी ने मेरे लिए बना के भेजा था, तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने पूरा ख़त्म कर दिया। मैंने किसी को नहीं दिया, मतलब मेरे हस्बैंड को भी बस 3 चम्मच बोला कि आप खाओ और मत खाओ, इतना टेस्टी लगा था ना मुझे। तो मम्मी ने बोला और भी है तो सुबह भेज देना, तो मैं भेज दूँगी, और भी रखा है घर में। मैंने सोचा, मम्मी ने सोचा कि तू तो खाती नहीं है, मम्मी ने बोला मुझे तू तो खाती नहीं है, तो इसलिए मैंने कम भेजा, और मुझे क्या पता तू अभी खाने लग गई, इतना टेस्टी लगा, तो इसलिए ना तू सुबह इसको ले भेज देना, उसके बाद मैं भेज दूँगी ताल जो जलाया है वो भेज दूँगी। और यहाँ पे देखो मैं बहुत टाइम के बाद मेरे घर में हो रहा है आज फिश, क्योंकि बहुत दिन से ना चिकन से ना भरपूर मैं पक गई हूँ, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आज फ़िश लेके आना। और ये देखो ये बहुत सारे कपड़े हैं, इनको अभी मुझे तय लगाने हैं, सीधे कल ही लगाऊंगी मैं इन कपड़ों को तय। से उठ गया था तो उसके पापा फिर से सुला रहे हैं, एक बार मैं सुला के चली गई थी तो अगेन ये फिर उठ गया था, तो उसको फिर से सुलाना पड़ रहा है। तो आप लोगों को तो दिखाया था कि मेरा माधव सोया है, फिर दूसरी बार मेरे हस्बैंड ने उसको सुला दिया था, तो देखो ये बहुत मेहनत करने के बाद ये नतीजा मिला। मेरा पैर दर्द हो गया, आधे घंटे से इसको सुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हमारा काम धंधा नहीं है, हम इसके पीछे ताली मारते रहेंगे, इसको मज़ा आता रहेगा। तो चलो अभी फिश देखते हैं किधर कितना दूर है, मुझे नहीं लगता ये लड़का भी सोएगा। 2 दिन अच्छा सोया था, मतलब 2 दिन काफ़ी अच्छा सोया था, शाम के 6 बजे से लेकर एकदम सुबह के 5 बजे उठता था, फिर दूध वूध पी के फिर सो जाता था, 9 बजे उठता था, लेकिन आज का रूटीन इसका बदल गया है। तो देखो मेरे हस्बैंड मेरा हेल्प करके देते हैं, करना ज़रूरी है गाइस, जो नहीं समझते हैं वो नहीं समझते हैं। हाँ, किसी दीदी ने मुझे कमेंट किया था कि आप ना एक थाली में मत करो, खाना नहीं खाना चाहिए हस्बैंड वाइफ को एक थाली में खाना। तो फिश ऑलमोस्ट हो गया है, मेरे हस्बैंड ने बोला है थोड़ा जला जला देना, क्रिस्पीदार करना, तो मैंने बोला ठीक है यार, वैसे फ़िश ना क्रिस्पीदार करो तो ही अच्छा लगता है, तो मैंने इसको अच्छे तरीके से क्रिस्पी बना दिया है। और इसको ना मेरे हस्बैंड फ्राई वाला भी खाएंगे, और क्या कहते हैं झोल वाला भी खाएंगे, मतलब तरी वाला। और यहाँ देखो मैं आलू काट ले रही हूँ रोशा के लिए, और जो बाद बाकी जो बचा है उसको भी मुझे फ्राई करना है। और हमारा फ्रिज ख़राब हो गया है तो इसलिए मैं रख नहीं पाऊँगी, तो मुझे आज हमें सारा खा लेना है, मम्मी पापा को भी काफ़ी ढेर सारा भेजना है, मतलब मेरे सास ससुर को, क्योंकि रखूँगी ना तो ख़राब हो जाएगा, और गर्मी भी पड़ रहा है तो इसलिए ख़राब होने का चांसेस रहता है। अभी तो ऐसा है ना, कल मैंने दोपहर को सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई, रात को जब मैं उसको बचा हुआ सोयाबीन खाने गई तो वो ख़राब हो गया है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो यार सारा ही खा लेंगे हम, जैसे तैसे रखेंगे नहीं क्योंकि ख़राब हो जा रहा है। और फ्रिज ना मैं इसको ठीक करवाऊंगी नहीं, सीधे हम नया ही लेने वाले हैं फ्रिज, अभी ठंड के टाइम तो चाहिए नहीं, इसको मैं बेच दूँगी और गर्मी में ले लूँगी।